अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज धोबी की छुट्टी है, मैं ही कपड़े प्रेस कर देती हूँ। कुछ दाग अच्छे होते हैं लेकिन दूसरों के लिए। इन कपड़ों पर इंक कैसे गिर गई? इस पर भी गिरी हुई है, कहीं वॉशिंग मशीन में ही तो कोई इंक पेन नहीं गिर गई ना। मैं फटाफट देखकर आती हूँ, मम्मी जी तो सफेद कपड़े धोने वाली है। बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू कहाँ से आ रही है? जूही, नहीं दादू, मुझसे नहीं आ रही है। मुझे लगता है कोई चूहा हुआ मर गया है। चूहा? चूहा कहाँ मरा होगा, घर में? दादी, दादी ये क्या है? इससे बदबू आ रही है। क्या है ये पूनम? ये वो जड़ी बूटी वाला तेल है जो बनाया है मैंने मनीषा जी के लिए। इससे उनके बाल जल्दी उगाएंगे। तेल मिली, क्या कर रहे हो? गॉड, मेरे को तो चक्कर आ रहे, इतनी गंदी बदबू है। रूम में तो छोड़ो, मुझे तो इस घर में ही नहीं रहना। मैं बाहर जा रही हूँ और आप ये बंद करो। पूनम, ये आपका सब हो जाए, उनके सर में तेल वगैरह डल जाए और बदबू जब खत्म हो जाए ना, बाद में मुझे फोन करके बुला लीजिएगा, मैं आऊंगा घर में बाद में, वरना यहाँ सांस नहीं ले पाऊंगा मैं। हाँ, मुझे फोन कीजिएगा। हाँ, कर दोगे फोन? बुला। सच में बहुत बदबू है इस तेल में, लेकिन मलिष्का जी के सुंदर बालों के लिए मैं ये बदबू भी सह लूंगी। है कहाँ मलिष्का जी? शायद खा रहे। तेल उनके चिकने सर पर लगाऊंगी, जिससे उनके चिकने सर पर सुनहरे बाल जल्दी उगाएंगे। मलिष्का जी। अग्नि, अब बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा रूही यहाँ कपड़े प्रेस कर रही होगी। हाँ आंटी, वो एक्चुअली रूही कहीं चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ हेल्प कर दूँ। आपकी साड़ी भी करनी है? लाइए ना, आपकी साड़ियाँ भी मैं कर। नहीं नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं बाद में धोबी को दे दूंगी। हाँ सो क्या? मैं क्या कह रही थी, अग्नि बेटा ये सब काम ना तो रूही को करने दो, कहीं तुमसे जल ना जाए, ठीक है? जी आंटी, मैं दे दूंगी बाद में धोबी को। ये तो वायर छोटा है, वॉशिंग मशीन में तो कोई इंक पेन नहीं, फिर कपड़ों पर इंक कैसे आई? मैं एक बार कपड़ों को चेक कर लेती, क्या पता किसी पैंट के पॉकेट में कोई इंक पेन हो।
हे भगवान, आयरन का स्विच तो ऑन करके ही चली गई थी। भगवान का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। हादसा होना तो बाकी है रूही, तुम बस दो मिनट रुको, ऐसा हादसा होगा कि सुपर वुमन से बेचारी वुमन बन जाओगी। ये इंक वाले कपड़े तो फिर से धोने पड़ेंगे, अभी इनको थोड़ा साइड कर देती हूँ, इनको बाद में धो लूंगी, बाकी का कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अब जैसे ही वो तार पिघलेगा रूही को लगेगा जोर का झटका। की बदबू कहां से आ रही है? ये आयरन का वायर तो बिल्कुल ठीक है, फिर शायद मेरा वहम होगा। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर कृष्णा नारायण बोल रहे हैं। कृष्णा, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। रूही, भैया, 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 एक सेकंड, एक सेकंड। रूही, 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 क्या हुआ? इसे क्या हुआ? रूही, 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 क्या हुआ रूही को? रूही, आंखें खोलो, आंखें खोलो रूही, 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 नाची, रूही, 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 आराम से। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? ठीक हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा करंट लग गया था। तुम पक्का सही हो ना? यहाँ है पक्का, इसने ही कुछ किया है, मुझे संभल कर रहना होगा। आज अग्नि ने करंट लगाने की कोशिश की है, कल ये कुछ और भी करेगी। मुझे नाहर जी की जिंदगी से दूर करने के लिए मुझे अग्नि पर नजर रखनी होगी और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगर इस तार से रूही को करंट लगा तो रूही ठीक कैसे हो गई? इस तार से करंट लगता भी है या नहीं?
करंट लगा। क्या लगा तुम्हें कि तुम उस कार्गो पैंट में नाड़े की जगह तार डालकर मुझे करंट दे दोगी? और मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी? अग्नि, पीठ पीछे वार करके खुद को कायर क्यों साबित कर रही हो? हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो, अपने आप ही साबित हो जाएगा कौन किससे बेहतर है। बेहतर तो मैं तुमसे हूँ ही रूही, और रही बात इस कंपटीशन की, तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हर परिवार से सिर्फ एक ही इंसान हिस्सा ले सकता है और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। खबरदार रूही। अग्नि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मत करो, पहली बार तो ये बात तुम्हारे फायदे की है। अब देखो, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, मतलब तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो। तुम अपने परिवार के नाम से हिस्सा ले लो ना। तो ठीक है रूही, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी और तुम्हें ये साबित कर दूंगी कि इस परिवार और नाहर के लायक सिर्फ और सिर्फ मैं। क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही इस कंपटीशन में। वो तो वक्त ही बताएगा। रूही, मेरी और मेरे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतना होगा। जी दादाजी। सुमित्रा बहन जी आ गई। जो कुछ भी हो, कंपटीशन तो मेरी बहू प्रीति ही जीतेगी। ये लीजिए। क्या है ये? लिस्ट है उन कामों की जो आपको मेरे यहाँ पर नौकर बनके करने हैं। कौन किसका नौकर बनेगा ये तो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। रोहित, रोहित मैं जानता हूँ दादी ने तुम पर जीत का बहुत दबाव डाल रखा है, लेकिन तुम प्लीज प्रेशर मत लो। तुम बस अपना बेस्ट हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ओके। कैसे प्रेशर डालू ना जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कभी लगता है मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी, फिर मुझे लगता है अगर मैं हार गई तो दादी जी को नौकर बनकर रहना पड़ेगा, और ये हमारे घर के इज्जत का सवाल है। दादी जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, कहीं वो मुझे घर से ही ना निकाल दे। चुप रहो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नारजी, ये
थिंक बिलीव अचीव। थिंक अच्छा सोचो, बिलीव खुद पर यकीन करो, एंड अचीव उसे पूरा करो। जीत तुम्हारी होगी रोहित। ऑल द बेस्ट रोहित। थैंक यू राज। ऑल द बेस्ट मामी। थैंक यू बेटा। चलो आज। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका फॉर द सुपर वुमन कॉन्टेस्ट ऑफ जयपुर 2024। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सुंदर कॉन्टेस्टेंट्स को। तो मैं सभी का एक एक करके नाम लेने वाली हूँ, एंड मे आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आरती शर्मा को, आर फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट ऑन स्टेज। हमारी दूसरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है मैत्री महेश्वरी। हमारी तीसरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है प्रीति अग्रवाल। हमारी फोर्थ कॉन्टेस्टेंट है रितिका पॉल। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रूही नाहर गोयनका को। और हमारी आखिरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है अग्नि राठौर। तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले रही हो क्या? हाँ दादी। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ साबित करना है। हमारे सारे सुंदर और प्यारी कॉन्टेस्टेंट आ चुके हैं आपके सामने मंच पर, और इनमें से इस साल कौन बनने वाली है सुपर वुमन ऑफ जयपुर 2024, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है दो महारथी जजेस। एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो ये प्रतियोगिता जो है ये है नारी शक्ति, उनकी दृढ़ता, उनकी समझ और उनकी भावुकता को, ये सारी खूबियां जो हमारे सामने पेश करेंगी, और उसके साथ साथ ये सारी कसौटियों को जो पार कर पाएंगी वही बनेंगी सुपर वुमन ऑफ जयपुर 2024। इस कंपटीशन में 3 राउंड्स होंगे, और इन 3 राउंड्स में सबसे पहला राउंड जो हम शुरू करने वाले हैं आज वो है बेस्ट ड्रेस सुपर वुमन का राउंड। हमारे पास ये बोल में कुछ चिप्स है, तो यहाँ पे जो कॉन्टेस्टेंट है वो अपने हाथों से ये सारे चिप्स उठाने वाली है, और इन चिप्स में जो भी लिखा होगा उनको वैसे ही तैयार होके हमारे सामने आना होगा। जो सबसे खूबसूरत लगेंगी, बेस्ट ड्रेस लगेंगी, वही जीत जाएंगी ये वाला पहला राउंड। तो आप सब कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे पहले राउंड के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आरती शर्मा को। माय कैरेक्टर नेम इज आईपीएस पुलिस। मैत्री महेश्वरी, झांसी की रानी। नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। मैं बनूंगी एक दुल्हन। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी अग्नि राठौर को। सुपर वुमन। सुपर वुमन का कॉस्ट्यूम तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई नो, मैं उस पर बहुत हॉट लगूंगी।
मैं बुलाना चाहूंगी रूही नाहर गोयनका को। बनाना ही था तो कोई भिखारन या काली कोयल बनाते, ऐसी सांवली चश्मे वाली परी को तो देखकर परी खुद डर जाएगी। नाहर बेटा रहने दो, हाल तुम्हें तमाशा हो जाएगा और फिर रूही के लिए ये कंपटीशन जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस भगवान रूही की मदद करे यही दुआ करो। जब फूटी किस्मत है इस लड़की की, परी का कॉस्ट्यूम क्या इसी की किस्मत में आना था? माँ जी क्या खाक कंपटीशन जीतेगी ये? कुछ भी हो जाए रूही, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। किसी भी तरह मुझे ये कंपटीशन जीतना होगा।